देशभर में लागू 21 दिन के लॉकडाउन के बीच में अधिकांश गांव के रास्ते को ग्रामीणों ने बांस और झाड़ियां लगाकर ब्लॉक कर दिया है, जिससे इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा संजीवनी 108 और महतारी 102 भी प्रभावित हो रही है। संजीवनी और महतारी एक्सप्रेस के चालकों को पहले बंद रास्तों को खोलना पड़ रहा है और उसके बाद ही वो मरीजों तक पहुंच पा रहे हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में भी देरी हो रही है। लेकिन ग्रामीणों में फैले डर के सामने इसका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। हम लोग निकालते हैं, उधर शादी भी वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, उतरते हैं फिर उसको निकालते हैं फिर जाते हैं, तो हम लोग को आने जाने में जैसे टाइमिंग हो जाता है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे गाँव इधर जाते रहते हैं, जैसे कोरोना साइड है और आपका नगर ब्लॉक है, तो कोई स्थिति अभी नहीं है। या कोई जुर्माना वगैरह कुछ लगेगा? बोला जुर्माना एक वाली स्थिति नहीं आई है, बस वही है कि वहाँ पे आदमी लोग बांध तो रहते रहते हैं लेकिन रहते नहीं है, हम लोग वही चाहेंगे कि। तो कांकेर की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ गांव के लोगों ने ही खुद बैरिकेटिंग लगा दी है। लकड़ियों के जो बांस के टुकड़े हैं उनको जोड़ करके एक गेट नुमा यहाँ पर चीज बना दी गई है, जिसकी वजह से आवागमन करने वाले लोगों पर कहीं ना कहीं बैन है। और एक उन्होंने एक बैनर भी लगा रखा है जिस पर कोरोना के चलते इसे बंद किया गया, ये भी उन्होंने लिखा है। ये अच्छी चीज है कि बाहरी लोगों को आने से रोकना चाहते हैं ग्रामीण, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें भी आने जाने में परेशानी हो रही है, जो कहां तक सही है बड़ा सवाल ये कि प्रशासन इसको लेकर के क्या कदम उठा सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता सुशील सलामपुर लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण इतने जागरूक हैं कि वो खुद ही एहतियात बरत रहे हैं, लिहाजा बाहरी लोगों को नहीं आने दे रहे हैं अंदर, लेकिन बड़ी समस्या ये भी है कि जो जरूरी सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं, वो कैसे अंदर दाखिल हो, इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू 21 दिनों तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते ग्रामीण अंचलों में जिले भर के ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ देखा जा रहा है, अपने गांव के पहुंच मार्ग में नाकेबंदी कर दी गई है, जिसके चलते जरूरी सेवा, इमरजेंसी सेवा जैसे की संजीवनी 108, महतारी एक्सप्रेस, इन तरह के वाहन जैसे कि गांव में किसी मरीज को लेने पहुंचते हैं तो उनमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि ग्रामीणों के द्वारा नाकेबंदी कर दी गई है, लेकिन मौके पर ग्रामीण उपस्थित नहीं रहते। ग्रामीणों के द्वारा वहां पर तो नाकेबंदी कर दी गई है और बांस बल्ली गाड़ दी गई है, जिसके चलते वाहन चालक संजीवनी 108 से जो गाँव तक पहुँचने में बहुत परेशानियां हो रही है। वही संजीवनी 108 के चालक के द्वारा यहाँ भी बताया गया है कि जैसे इन लोग ग्रामीण अंचलों में पहुँचते हैं तो ये खुलने के लिए बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या प्रशासन की तरफ से पुलिस महकमा जो गांव की सीमा है वहाँ पर खुद नहीं पहुँचे, जो ग्रामीणों को खुद ही इस तरीके के बैन लगाने पड़े, खुद ही गेट बनाकर रोकना पड़ा? क्योंकि अगर प्रशासन का नुमाइंदा या पुलिस प्रशासन ऐसे गेटों पर मौजूद होता तो जरूरी सेवाओं को देखते हुए गेट को कभी भी खोलना या बंद करना वो तय कर सकते थे, तो क्या प्रशासन के नुमाइंदे वहां पर नहीं है? जी, जैसे कि जिला मुख्यालय में तो प्रशासन के नुमाइंदे मौजूद रहते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में जहाँ पंचायत में अधिकारियों द्वारा पंचायत स्तर पर निर्देशित किया जाता है कि यहाँ के जो भी जरूरी सेवाएं हैं उन्हें आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों के द्वारा जमखम बांध दिया गया है, जिसे खोलने में भी वहां के लोग कतरा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। वर्धा जिले में लॉकडाउन का